जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश फटाफट बोलने के लिए, धारा प्रवाह बोलने के लिए आपके पास वर्ड पावर के स्टॉक का होना बड़ा जरूरी है। आपका वोकैबुलरी मजबूत होना जरूरी है। यू मस्ट हैव एन एनरिच्ड स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश फ्लुएंटली। और उसी क्रम में हम बिल्ड अप योर वर्ड पावर के तहत ढेर सारे वीडियोस की सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज वर्ड पावर 15 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज जो है वर्ड फैमिली पर काम करेंगे, यानी एक ही तरह के दिखने वाले कंफ्यूजिंग टाइप के वर्ड्स जो एक ही फैमिली से रिलेटेड, उसी पर काम करने वाले। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस यानी सफलता। सक्सेस में सफलता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एन यानी नाउन, जैसे मैं सफलता पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस। ठीक, अब देखिए उसी में है सक्सेसफुल, फुल जोड़ दिए सफिक्स, अब ये नाउन से बदल गया एडजेक्टिव। सक्सेसफुल जो है ये एक एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव, कैसा का जवाब देता। ठीक, खास करके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये, आप एडजेक्टिव ग्रामर वाले सीरीज में पढ़ेंगे। सक्सेसफुल यानी सफल एडजेक्टिव, वह एक सफल इंसान है। ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल यानी सफल, ये एडजेक्टिव है। सक्सेस नाउन है सफलता। आगे है सक्सेसफुली, ये एडजेक्टिव, क्या कहते हैं एडवर्ब। सक्सेसफुली क्या है एडवर्ब। एडवर्ब अक्सर वर्ब को मॉडिफाई करता है, हालांकि एडजेक्टिव को भी करता है और दूसरे एडवर्ब को भी, लेकिन जनरली ये सक्सेसफुली कहां मिलेंगे आपको, वर्ब के अगल बगल में, कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है। अब जैसे मैंने इस वीडियो को सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है, सफलतापूर्वक, आई हैव अपलोडेड दिस वीडियो सक्सेसफुली, या आई हैव सक्सेसफुली अपलोडेड दिस वीडियो, तो मैंने सफलतापूर्वक इस वीडियो को अपलोड कर लिया। तो सक्सेसफुली का मतलब क्या हुआ, सफलता पूर्वक, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब के बगल में आकर के उसको मॉडिफाई करता है। और सक्सीड का मतलब हुआ सफल होना, अब ये वर्ब इसका रूप बदलेगा। सक्सीड, कभी सक्सीड्स, कभी सक्सीडेड, V1 V2 V3, नहीं, सक्सीड अपना रूप बदलेगा, ये सफल होना। अब देखिए सक्सेस से हमको सक्सीड का काम लेना है, सफल होना सक्सेस के बगल में गेट लगा देते हैं। गेट सक्सेस का जो मतलब है वही मतलब सक्सीड का है। सक्सीड अकेले वो मतलब निकाल लेता है जो सक्सेस के बगल में गेट लगाने के बाद निकलता है। गेट सक्सेस, तो गेट वर्ब जोड़े और सक्सेस नाउन दोनों मिलके जो अर्थ निकाला वो सक्सीड, खुद पूरा अर्थ निकाल लिया। ठीक, अब उस वही अर्थ निकालने के लिए यहां हमको सक्सेसफुल से अर्थ निकालना, सफल होना, तब बी लगाना पड़ेगा। अब देखिए गेट सक्सेस सफलता पाना, बी सक्सेसफुल सफलता पाना, या केवल सक्सीड तब भी सफलता पाना या सफल होना, तो आप अलग अलग जो है सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से इनके यूज देखेंगे और समझेंगे कैसे नाउन के तरह यूज है, कैसे वर्ब के तरह, कैसे एडवर्ब के तरह और कैसे एडजेक्टिव के तरह। ये था सक्सेस, सक्सेसफुली, सक्सेसफुल और सक्सीड। अब दूसरे वर्ड फैमिली पर चलते हैं हम लोग। डाई, डाई मीन्स होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डाई मीन्स मर जाना या मरना। ठीक, ये वर्ब का फर्स्ट पार्ट, अब इसका रूप बदलेगा, डाइज, डाइंग। ठीक,
डाइड जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मर गया सिंपल पास्ट में, डाइड तो डाई और डाई, डाई मीन्स मर जाना, डाइड मीन्स मर गया। अब देखिए डेथ ये है नाउन वाला रूप, डेथ नाउन है, डेथ मीन्स होता है मौत या मृत्यु, डेथ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे सक्सेस वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वहां पर इसी तरह से डेथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मृत्यु या मौत। आगे है डेड, ये एडजेक्टिव, डेड क्या है एडजेक्टिव, अब इसके बगल में नाउन या नाउन आएगा, जैसे डेड बॉडी, डेड पर्सन, ठीक, कुछ भी, डेड एनिमल, तो डी ई ए डी डेड, ये एडजेक्टिव है, डेड मीन्स मरा हुआ या मृत। हमने देखा एक डाई है V1, डाइड है V2, डेथ है नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डेड है एडजेक्टिव, ठीक, मृत या मरा हुआ, डाई मिस मरना, डाइड मिस मर गया और डेथ मिस मृत्यु। इस हिसाब से हम वर्ड फैमिली को देखें, ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वर्ड फैमिली, एक ही फैमिली से रिलेटेड ढेर सारे वर्ड्स होते हैं उसको लेकर के आएंगे, ठीक, डे टू डे स्पोकन में यूज होने वाले ढेर सारे वर्ड्स होते हैं ताकि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकें, तो इसी तरह वर्ड पावर के तरह हम डे टू डे स्पोकन में यूज होने वाले ढेर सारे वर्ड्स लेकर के आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।